नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो की सवारी की। स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी से बातचीत भी की। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह देश की छठवीं वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन नागपुर से रायपुर के बीच चलेगी। पीएम शनिवार सुबह नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने यहां 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्रीय समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद वह एम्स नागपुर का उद्घाटन करेंगे। यहां से पीएम मोदी गोवा जाएंगे, वहां मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया है। 6 लेन के एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के 10 जिलों से गुजरेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।